हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको जेबी के बारे में फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। जेबी के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, उसमें काफ़ी सारे अच्छे रिस्पांस आए हैं आपके। जेबी क्या होती है, इस टाइप का मैंने वीडियो बनाया था, जंक्शन बॉक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जंक्शन बॉक्स होता है, इसमें देखो केबल एंटर हो रही है, आप देख सकते हो। ये जो हमारी केबल होती है, ये जाती है हमारे कंट्रोल रूम में, जो कि 12 पेयर की होती है। इसमें लिखा भी रहता है 12 पेयर केबल, ओके। और जो सिंगल सिंगल पेयर की केबल होती है ना, वो हमारे इंस्ट्रूमेंट से आती हैं जेबी में, ठीक है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर होता है, I2P होता है, या पोजिशनर, जैसे कि हमारा पोजिशनर होता है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर है, या कोई भी हमारा स्विच है, XYZ कुछ भी, तो उनके लिए अलग अलग सेपरेट केबल लगी होती हैं और हमारी इस जेबी में आती है। फिर इस जेबी से हमारी जाती है कहाँ पे, 12 पेयर केबल से सीधा कंट्रोल रूम में। आप देख सकते हो यहाँ पे टीवी लगी होती है, इनको बोलते हैं टीवी। इनमें सबका एक एड्रेस लिखा होता है, अलग अलग नंबर दिए होते हैं, 1, 2, 3, 4 आप देख रहे होंगे। ये टीवी है, एक ये रेल होती है जिस पर ये टीवी माउंट होती है, मतलब हमारी फिट होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस साइड पे नंबर, इस साइड भी लिखे नंबर कुछ, और उस साइड से एक से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो 40, 50, तो ये लगभग 50 टीवी इसमें लगी हुई है। तो 50 टीवी मतलब 50 वायर कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम एक पेयर की जो केबल होती है, उसके लिए 2 वायर निकलते हैं, तो उसमें 2 टीवी यूज़ हो जाएंगी, दूसरे वायर के लिए 2, 3, ठीक है। इस टाइप से ये टीवी कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं करी है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा होगा ये जेबी, क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है। और ये यहाँ पे हम सील्ड वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सील्ड वायर को कनेक्ट करते हैं, और ये इसमें ये देख सकते हो फेरू लगे हैं, और इस साइड में जो लगे हैं जो वायर जो जा रहे हैं कंट्रोल रूम के लिए, ये मोटी वाली केबल मैंने आपको बताई थी 12 पेयर की। एक सिंपल सा और आराम से इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, आप आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे एक्स प्रोटेक्टर जो लिखा है, ये जेबी है, तो इस पर एक्स प्रोटेक्टर का मतलब समझ जाओगे, ये जेबी है। अगर आपको ये खरीदना है, लेना है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गया है, सारी चीज़ें। मैं आपका इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट ये जेबी के बारे में बता रहा हूँ। तो आप अगर कोई इसको रिपर्चेस करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो खरीद भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एलन स्क्रू लगे होते हैं, इसमें जो एलन की लगती है वो 6 mm की लगती है, ठीक है, 6 mm की एलन की लगती है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, दैट्स क्लियर। ये जो नंबर लिखा है 33JBE, ठीक है, JBE मतलब कि जंक्शन बॉक्स, ई फॉर सिग्नल के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे JBC लिखा है, मतलब इसको डिजिटल, मतलब कि वो हमारे स्विच वगैरह होते हैं, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारे जितने भी स्विच होंगे वो इस JBE में आ रहे हैं, मतलब हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। वैसे से हालांकि इसको हम कम्बाइंड भी कर सकते हैं एक ही JBE में, बट हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया है। जैसे कि हमारा ये JBT फॉर टेम्परेचर के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पर जितने भी टेम्परेचर के होंगे, थर्मोकपल के होंगे, वो सारे इसमें आएंगे। ये थर्मोकपल के लिए इस टाइप की केबल होती है, येलो कलर की होती है, ठीक है। ये 12 पेयर का है, और ये सिंगल सिंगल पेयर का यहाँ पे लगाया है, ठीक है, जो हमारी थर्मोकपल के पर्टिकुलर अलग अलग थर्मोकपल के केबल यहाँ पे आ रहे हैं इस जेबी में, और यहाँ से फिर हमारे मोटी केबल से कंट्रोल रूम में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसमें पहचानने का तरीका ये है कि लाइन लगी बनी होती है, ठीक है, थर्मोकपल की केबल को। और इसके ऊपर भी मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं, वहाँ भी आप देख सकते हो एलन की। इस टाइप से हम आराम से इसको खोल सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये एलन की होती है, इस 6 नंबर की एलन की होती है, यहाँ पे लिखा होगा 6 mm, ठीक है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो किसी नए वीडियो में मिलते हैं आपको, और प्रैक्टिकली बताते हैं ये इस टाइप से। मैंने आज आपको TB के बारे में बताया, JBE के बारे में बताया, JBE कैसा क्या होता है, ठीक है। ये इस टाइप की JBE होती है, प्रॉपर ड्रेसिंग भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।